नमस्कार, आईबीस टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, अभी मैंने आपको इस वीडियो से पहले जो मैं हमने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली थी उसमें आपको डीबीएस जो आप सामने देख रहे हो डीबीएस डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के बारे में हमने आपको समझाया था कि आपको कैसे कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा स्लेव, साथ में क्या क्या इसमें फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो वो सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। पर अब देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैसे तो आप इसका कनेक्शन करोगे, कैसे आप अपने वायरिंग वगैरह करोगे, साथ में इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो हम आज आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपरली तरीके से समझाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी आप सामने देख रहे हो ये अपना जो मेन जो है मास्टर यूनिट है, ये अपना स्लेव है, ये अपना माइक है, जो माइक आपका इससे कनेक्टेड है। मैं फिर से बता देता हूँ, अपना जो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है वो क्या काम आता है, वो काम आता है आपका टू वे कम्युनिकेशंस के लिए। मतलब जो आप इसमें आप चाहते हो कि मुझे किसी क्लासरूम में अनाउंसमेंट करनी है या फिर जो क्लासरूम में बोले वो सुनना भी है, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। दो पीए सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन के साथ, मतलब आप डबल साइड कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ जहाँ से आप बोल रहे हो वो भी आप दूसरी साइड सुना सकते हो और जो वहाँ से जो बोल रहा है वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हो। ओके, इसके अलावा ये आपका इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं। एक तो आता है BS 5151 में, क्या होता है सिर्फ आप जो मैंने बताया आपको डबल साइड कम्युनिकेशन आप इजीली कर सकते हो। और जो अभी आपके सामने देख रहे हो आपका BS 101 है, 101 में क्या होता है कि आपका टू वे कम्युनिकेशन के साथ में आप इसमें अपनी बेल, जो पीरियड बेल टाइमिंग सिस्टम होता है वो आप इसमें साथ में आपको इनबिल्ट मिलती है। पीरियड बेल टाइमिंग सिस्टम UB 501 मॉडल आता है, उसकी भी मैंने आपको पहले मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी भी इससे पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरा समझाया गया है कि UB 501 कैसे अपन यूज़ करते हैं, कैसे उसमें कनेक्टिविटी करते हैं और कैसे उसका अपन यूज़ लेते हैं, कैसे अपन उसको अपने स्कूल में यूज़ ले सकते हैं, वो पूरा पूरा उस वीडियो में समझाया गया है। तो वो जो आपका बेल सिस्टम है वो भी इसके अंदर जो 101 मॉडल है उसमें इनबिल्ड है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसकी कनेक्टिविटी वगैरह मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और उसमें कैसे कैसे आपको फंक्शन यूज़ करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ, जो ये जो आपका ये DBS होता है, मास्टर यूनिट होता है, ये आपका मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आता है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे आपका 10 रूम का अलग आएगा, 20 रूम का अलग आएगा, 30 रूम का अलग आएगा, मतलब कि मतलब देखने में तो सेम होगा, उनके अलग अलग कैपेसिटी होगी। मान लीजिए क्या किसी की 10 ही क्लासरूम है, किसी की 5 ही क्लास, 6 क्लासरूम है, उसको सिर्फ वहीं पे यूज़ करना है, तो आपको 10 रूम कैपेसिटी वाला आप ये ले सकते हैं। वो या बात है, जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आप 20 रूम का लेंगे, 30 रूम का लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो रेट में थोड़ा डिफरेंट आता है और इसमें जो ज़्यादा चीप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आपके 10 रूम का ले सकते हो, आप 20 का ले सकते हो, 30 का ले सकते हो, 40 का ले सकते हो, 60 का ले सकते हो, 80 का ले सकते हो, 99 रूम का आप इसमें ये यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखिए मैं आपको बेसिक समझाता हूँ उसके बारे में। जैसे मान लीजिए अभी जो मेरे सामने वो 10 रूम का है, ठीक है, अब 10 रूम का है तो क्या होगा, मैं इसमें ऐसे जो स्पीकर है वो 10 कर, इसे अपन स्लेव बोलते हैं, ऐसे 10 स्लेव अपन इसमें कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे जो बात करता हूँ वो बात करता हूँ इसे कनेक्टिविटी पे, जो सबसे मेन चीज़ है इसमें। आपको सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें आपको पैरेलल कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। पैरेलल कनेक्टिविटी मतलब जो अभी आप कैमरा में आप देखते हो, जो अभी रिकॉर्डिंग कैमरास में आप देखते हो, जो अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, ऑफिस में, स्कूल में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हो, उसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपने 20 या फिर 50 सीसीटीवी कैमरा लगा रखे, आपने मान लीजिए आपने 10 सीसीटीवी कैमरा आपने अपनी क्या नाम है स्कूल में लगा रखे, तो क्या होगा, वो 10 के 10 सीसीटीवी कैमरा जो वायर हैं वो आपके आएंगे और 10 के 10 जो आपकी वहाँ पे यूनिट होती है वहाँ पे लगेंगे। तो मतलब 10 कैमरा तो 10 वायर, तो ये आपका एक तो आपका वायर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इसके अंदर, साथ में वायर का जो गुच्छा होता है वो पूरा पूरा गुच्छा यहाँ पे आएगा, तो वो दिखने भी आपको एक अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो अगर पर इसमें क्या है, इसमें आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है वो कनेक्टिविटी आपको मिलती है सीरीज वाइज कनेक्टिविटी। सीरीज वाइज कनेक्टिविटी में क्या बेनिफिट है कि आपका एक जो यहाँ से जो मेन यूनिट है, जहाँ पे आप मान लीजिए आपने इसे प्रिंसिपल रूम के ऑफिस में रखा है या फिर आपने डायरेक्टर सर के ऑफिस में रखा है या फिर आपने स्टाफ रूम में रखा है, तो यहाँ से सिर्फ जो वायर निकलेगा वो वायर आपके इसके अंदर जाएगा। इससे आपको जो अगला स्लेव लगाया, मान लीजिए अगला ये यहाँ से निकला, फिर मेरा पहला स्लेव इसमें चला गया, इसके बाद में जो मैंने यहाँ पे एक और स्लेव लगा रखा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने एक और स्लेव लगा रखा है, तो इससे वो घूम के फिर उस स्लेव के इन में चला जाएगा, इनसे आउट इन आउट इन आउट हो जाएगा। जैसे उस स्लेव के इन में गया, उससे आगे वाला जो स्लेव होगा उसके, सॉरी इस स्लेव के इन में गया,
फिर इसका जो आउट है वहां से पावर सप्लाई निकल जाएगी, दूसरा वाला का जो इन है उसमें डल जाएगी, फिर उसके आउट से निकल जाएगी। तो इसी तरह इसका यहाँ पे आपको सीरीज कनेक्शन मिल जाएगा, तो ये भी आपको इसमें काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आपका वायर भी कम कंज्यूम होगा और आपकी कनेक्टिविटी काफी ईजी होगी, ओके, और दिखने में भी आपको इतना गंदा नहीं लगेगा। तो ये मेन आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इसमें आपको वायर कौन कौन से यूज और कैसे कैसे आप इसमें कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको दो तरह के वायर यूज होंगे, ठीक है। यहाँ से आपके दो वायर जाएंगे, ओके। एक जो वायर जाएगा वो आपका जाएगा थ्री कोर केबल। देखिए, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो अपनी थ्री कोर शील्डेड केबल है, थ्री कोर शील्डेड केबल जिसमें तीन तो केबल है। देखिए, एक तो रेड वाली केबल है, ग्रीन वाली केबल है, ब्लैक वाली केबल है, साथ में शील्डेड केबल लिख रखा है। शील्डेड केबल मतलब देखिए इसके ऊपर जाली है ना, जाली ये मैंने लपेटी हुई है। देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा ढंग से इसका डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये केबल आपके स्टार्टिंग में ऐसे आती है, मतलब ये ऊपर ब्लैक मैंने इसको छील रखा है। मतलब तीन तो इसमें वायर होता है, एक इसके ऊपर जो शील्ड लगी हुई है इसे अपन शील्डेड बोलते हैं, कॉपर शील्डेड। तो ये देखिए, आपको ये शील्ड लगी हुई है। तो मैं आपको क्या करना है, जो थ्री कोर केबल है इसको आपको जैसे ये ना, ये साथ में इसके इसमें ब्लैक वाले वायर के साथ में लिपट जाएगी, मतलब आपको साथ में रोल करके आपको इसको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो आवाज़ होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आएगी। नॉइज इन द सेंस, आप जो लगा तो स्पीकर में जू ऐसा कुछ आवाज़ आती है ना, वो आपकी 101% आएगी अगर आप ये केबल यूज़, अगर आप ये शील्डेड यूज़ नहीं करोगे। अगर आप शील्ड यूज़ करोगे साथ में तो ये 100% आपकी आवाज़, 1% भी आपकी ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। तो सबसे मेन रीज़न है आपको ये शील्ड यूज़ करना है। इसके अलावा जो सेकंड केबल यूज़ करेंगे वो अपन करेंगे टू कोर केबल। टू कोर नॉर्मल जो अपन घर में जो वायर यूज़ करते हैं, अपन कोई भी आप इसमें यूज़ ले सकते हैं, ओके। तो ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ओके। इसके अलावा अब देखिए, इसके अलावा मैं कनेक्टिविटी बताता हूँ आपको कनेक्टिविटी कैसे होगी। कनेक्टिविटी का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका जो मास्टर यूनिट है, जो मैंने आपको समझाया था ना, ये आपका जो ये मास्टर यूनिट है, इसकी मैं आपको पीछे की इमेज दिखाता हूँ, इससे पीछे क्या कनेक्टिविटी आपको मिलती है। तो देखिए, पीछे की इमेज देखिए, ये आपके पीछे की इमेज है। इसमें देखिए, एक तो यहाँ पे मतलब एक मेरा माइक भी कनेक्टेड है, ये वॉल्यूम ब्रोकर के पास में देखिए, जिसमें लिखा हुआ माइक माइक्रोफोन। इसमें जो मेरा पास में जो माइक लगा हुआ था, जो मेरा मेरा माइक ये लगा हुआ है, इसको मैंने इसके केबल ये मैंने इसके पीछे कनेक्ट कर दी, जो कनेक्ट हुई है। देखिए यहाँ पे ये माइक्रोफोन, ये आपको दिख रहा होगा हल्का सा भी, ये इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे आपका ये माइक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल ऑडियो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें एक्सटर्नल ऑडियो इन द सेंस, मतलब मान लीजिए आपको अपने मोबाइल से कोई सॉन्ग प्ले करना है, तो आप अपना मोबाइल की ऑक्स, एक साइड तो अपने मोबाइल में आपने ऑक्स लगा दी, एक साइड आपने इसके अंदर ऑक्स लगा दी, फिर आप कोई भी अपने मोबाइल में कोई सॉन्ग वगैरह है तो आप प्ले करके बच्चों को सुना सकते हो। राष्ट्रगान बजा दिया आप सुबह आपने 8 बजे, तो इसी तरह आप कोई भी ऑडियो भी इसमें चला सकते हो, ओके। एक बार फिर से मैं उस इमेज पे आता हूँ, बैक इमेज पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखे ना ब्लॉक ब्लॉक से, ये इसके मेन कनेक्टिविटी है, ओके। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ मेन एसी। मेन एसी आप समझ गए होंगे, जो आपका जो मास्टर यूनिट है इसको आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपके घर में नॉर्मली 240 वोल्ट टू फेस वाली जो पावर सप्लाई यूज होती है, तो मैंने क्या किया, आपने दो वायर मेन एसी पीए लिखा हुआ है, आपने दो एक वायर कनेक्ट किया और एक वायर एन में कनेक्ट कर दिया, पी में कनेक्ट कर दिया। बाद में आप पावर सप्लाई जो आप उसको पावर सप्लाई देखिए इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी मेन पावर सप्लाई होगी जो आप स्विच वहाँ पे यूज करेंगे, ओके। फिर एक लिखा हुआ है एसी आउट, ओके। तो एसी आउट पे जो आप टू के मैंने आपको जो टू कोर केबल दिखाई थी, देखिए टू कोर केबल है ये आपके एसी आउट से, सॉरी ये आपके यहाँ पे एसी आउट से निकल जाएगा। और जो आपका स्लेव, जो आपका स्पीकर होगा, मैं आपको एक बार स्पीकर दिखाता हूँ। स्पीकर देखिए, स्पीकर में आपको जो नीली केबल दिखे, नीली वाली यहाँ पे स्लेव लिख रखा है, स्लेव माइक्रोफोन माइक, देखिए लिखा हुआ है, ये स्लेव में नीली वाली केबल है, इसमें आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपको ऊपर जो वायर दिखा नीला निकला हुआ, इसमें आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ओके। अब फिर से देखिए, एक है यहाँ पे ऑडियो आउट, ऑडियो ग्राउंड डाटा, देखिए ए डी एस आउट आउट हो रहा है यहाँ से, मतलब पावर निकल रही है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे थ्री कोर केबल बताई थी, मैंने आपको यहाँ पे थ्री कोर केबल जो आपकी कनेक्टिविटी होगी, तो ये आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका वैसे बेसिक हम क्या करते हैं, जो रेड वायर है वो जो रेड वायर है वो इस जो रेड वायर है जो रेड वायर है वो आपका जो ऑडियो लिखा हुआ है उसमें कनेक्ट करते हैं, और जो आपका यहाँ पे क्या नाम है ग्रीन वायर है, जो ग्रीन वायर है वो हम इसके जो आपका यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है डाटा इसमें कनेक्ट करते हैं,
जो आपका ये क्या नाम है यहाँ पे ब्लैक वायर है शील्डेड, ये आपको यहीं पे कनेक्ट करना है। जो ब्लैक वायर शील्डेड केबल है वो आपको यहाँ पे ग्राउंड जो लिखा हुआ उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ आपको ये ग्राउंड जो शील्ड केबल है आपको लगानी ही पड़ेगी, अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी बॉडी में दिक्कत आएगी 100%। ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है, जो आप ऊपर वाला ये वॉल्यूम कंट्रोल करना देख रहे हो, ये आपका जो स्पीकर जो आपका मास्टर यूनिट है ना, मतलब कोई बच्चा स्पीकर में स्लेव में कुछ बोलेगा तो आपको यहाँ पे सुनेगा, ये उसका वॉल्यूम कंट्रोल है। तो जो नीचे वाला ये है, जब आप कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो एक्सटर्नल ऑडियो में आप कोई सॉन्ग प्ले करेंगे, ये मान लीजिए आपने माइक क्या नाम है अपने मोबाइल से कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम कंट्रोल के लिए आपको नीचे वाला वॉल्यूम कंट्रोल चेक किया गया है। ओके, अब देखिए अभी मैंने समझा दिया, अगर आप कनेक्टिविटी करेंगे तो देखिए आपको कैसा दिखेगा। देखिए जैसे मैं आपको बताया था कि ये जो आपका जो रेड और ब्लैक वाला आपको डार्क रेड वाला जो आपको वायर साइड में दिखा रहा है आपका मेन पावर सप्लाई है। तो मैंने जो मेरा जो पावर स्विच है उसके अंदर ये जो वायर निकाल के मैंने उसमें लगा दिया। ओके, उसके बाद में है एसी आउट, जो आपका ग्रे कलर और पिंक कलर का जो आपको वायर दिखा है ये आपका एसी आउट है। ये वायर मैंने क्या किया है, सभी स्लेव यहाँ से वायर निकाला है और सभी स्लेव्स को वन बाय वन करके मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। मतलब एक यहाँ से गया मेरे पहले स्पीकर में ये वायर, फिर पहले से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। ओके, और देखिए ये जो आपको दिख रहा है कनेक्ट साथ में जो आपको देखिए डाटा ग्राउंड ऑडियो। ओके, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, डाटा में तो आपने जो आपने ग्रीन वाला वायर कनेक्ट कर दिया, और क्या नाम है ग्राउंड में आपने ब्लैक वाला वायर कनेक्ट कर दिया, और ऑडियो में आपने रेड वाला वायर कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये आपकी तीनों वायर की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे हो चुकी है। अब आपको इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से जो वायर निकला अब आपको आना आपके स्लेव स्पीकर में, और स्पीकर एंड विद माइक्रोफोन, स्लेव स्पीकर विद माइक्रोफोन में आपको आना है। इसमें देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए जो ग्रीन वाले दो ब्लॉक लगे हुए हैं इनमें एक पे लिखा हुआ है ADS इन और ADS आउट। ADS इन मतलब जो आपका मास्टर यूनिट से आपका जो वायर आया है वो आपका वायर आके ऑडियो तो रेड वाला ऑडियो में घुस गया, ग्राउंड का जो देखिए इसमें भी देखिए मैंने ब्लैक वाले के साथ में शील्ड लगाई हुई है आपकी, वो ग्राउंड में लग गई है। वो डाटा जो है वो ग्रीन वाली केबल थी वो मैंने ग्रीन वाली केबल में लगा दी। ओके, फिर यहाँ पे होगा ADS आउट। देखिए यहाँ से जो अगले स्पीकर के लिए, अगले स्लेव के लिए जो आपका वो निकलेगा क्या नाम है वायर निकलेगा, वो यहीं से आपका वायर निकल जाएगा और ये आपका लग गया क्या नाम है रेड ऑडियो में लग गया, ग्रीन ग्राउंड आपके ब्लैक और शील्ड केबल लग गई, और क्या नाम है डाटा आपका ग्रीन केबल मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए। ओके, और देखिए जो ब्लू वाली केबल है, अभी मेरी इमेज सही से नहीं आ रही, ब्लू वाली केबल में आपकी जो मैंने वहाँ से क्या नाम है जो मेरा यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये जो आपका देखिए आप ग्रे कलर की जो केबल है, ग्रे और पिंक कलर की केबल है, ये निकल के मेरे ब्लू वाले से कनेक्ट हो जाएगी और ब्लू वाले से ही आगे चली जाएगी, मतलब अगले वाले स्पीकर के लिए वो मेरी केबल चली जाएगी। ओके, तो ये तो मेरा हो गया बेसिक कनेक्शन विद क्या नाम है सीरीज कनेक्शन, और काफ़ी इजी कनेक्शन जो कोई भी इसे कर सकता है। अब देखिए मैंने सर डायग्राम भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जब आप इसे यूज लेंगे तो आपको ये डायग्राम भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये मेरा आपको दिख रहा है वन बाय वन करके स्लेव कनेक्ट हो रहा है, देखिए पार्ट ID 01 01 स्पीकर 02 स्पीकर 03 स्पीकर 04 05 06। देखिए यहाँ से देखिए जो आपको दिख रहा है मेन आपको जो पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है बीच में ब्लैक मास्टर यूनिट टर्मिनेटर्स जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है PS101 का जो है, इसमें ऑडियो आउट यहाँ से क्या हुआ, देखिए जो ब्लैक वाली केबल ग्रीन वाली केबल रेड वाली केबल यहाँ से निकली है, जो पहले तो मेरे पार्ट वन में चला गया, फिर पार्ट वन से पार्ट टू में, पार्ट टू से पार्ट थ्री में, इसी तरह पार्ट थ्री से टू नेक्स्ट स्लेव मतलब आगे स्लेव में चला जाएगा। इसी तरह देखिए पार्ट फोर में जा रहा है, पार्ट फोर से पार्ट फाइव में, पार्ट फाइव से पार्ट सिक्स में, तो इसी तरह अगले स्पीकर में चला जाएगा। और ये जो ब्लैक वाली केबल जो मैंने आपको बताई थी क्या नाम है, जो मैं यहाँ पे ग्रे कलर की पिंक कलर की जो ऑडियो आउट केबल यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ से देखिए ब्लैक रेड केबल यूज़ करके वो यहाँ से निकली है, वो आपके पहले स्पीकर में, दूसरे स्पीकर में, तीसरे स्पीकर में कनेक्ट हो रही है, यहाँ से आगे स्पीकर में चली जाएगी, चौथे पाँचवें छठे स्पीकर से आगे स्पीकर में चली जाएगी। तो इसी तरह आपका कनेक्टिविटी बहुत ईजी और बहुत क्या नाम है आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, आपका वायर भी कम कंज्यूम होगा और आपको वायर का गुच्छा भी नहीं बनेगा, तो ये आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। ओके, अब देखिए अब मैं आता हूँ इसको आपको कनेक्टिविटी करने के बाद में कैसा इसे ऑपरेट करना है। ओके, कनेक्टिविटी आपकी पूरी हो चुकी है, आपने माइक कनेक्ट कर दिया, आपने सभी स्पीकर कनेक्ट कर दिया, आपने सभी स्पीकर में वायरिंग कर दी है, वायरिंग करने के बाद में कैसे आप इसमें कनेक्ट करना है। अब इसमें यूज़ करने के लिए मान लीजिए आपने 10th क्लासरूम में एक स्पीकर लगा रखा है आपकी क्लास, मान लीजिए 5th क्लास आपकी 5th क्लासरूम में आपने उसमें एक स्लेव स्पीकर नहीं आपने स्लेव लगा रखा है। ओके, उस स्लेव में क्या होगा आपको कैसे पता चलेगा, उस स्लेव में मेरे को अनाउंसमेंट करनी है तो कैसे अनाउंसमेंट करूँगा, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको एक स्लेव की इमेज देखता हूँ, ये देखिए स्लेव की साइड की इमेज है। ओके, जहाँ पे कनेक्टिविटी है और देखिए यहीं पे लिखा हुआ है पार्ट आईडी 5, मतलब 5 नंबर का स्पीकर आपने
उस क्लासरूम में कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो 5 नंबर का क्लासरूम में कनेक्ट कर रखा, तो इससे क्या मतलब हुआ, तो देखिए एक बार मैं मेरे मास्टर यूनिट पे आता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं, तो जैसे आप इसमें 05 दबाएंगे, 05 जैसे आपने दबाया, तो क्या होगा, दबा के आप जैसे आप इसे एंटर करोगे, तो जो भी बच्चा वहाँ पे बोल रहा है, एक बार मैं इसकी आवाज़ कंट्रोल कर लेता हूँ, सॉरी, जो भी बच्चा वहाँ पे बोल रहा है, मतलब मान लीजिए क्लास में जो भी बोल रहा है, तो आपको अभी कुछ कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 05 दबाया, तो जो बच्चा वहाँ पे कुछ बोल रहा है तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे सुनने लग जाएगा। ओके, तो ये इसका काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट है, ठीक है। जैसे मैं एक बार मैं एस्केप करता हूँ, ये स्पीकर काफ़ी पास में पड़ा है मेरा, एक बार एस्केप, ठीक है। तो एक स्पीकर मैंने दूर भी रख रखा है यहाँ से, उसकी पार्ट आईडी, उसका पार्ट आईडी 04 04 मैंने दबाया तो मैंने इसे एंटर कर दिया, ठीक है। और देखिए मेरे को कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं दूसरा स्पीकर जो पड़ा था वो दिखाता हूँ कहाँ पड़ा है, देखिए ये मैं दूसरा स्पीकर पड़ा है, इसकी जो पार्ट आईडी है वो 04 पार्ट आईडी है। अब मैं जो साथी हैं उनको बोलता हूँ कि उसमें कुछ बोलने के लिए, तो अब मैं आपको ताकि दिखा सकूँ, ये देखिए, अब एक बार वहाँ पे जाके सर आप कुछ बोलिए, देखिए आपको सुन रहा होगा कि जो भी बंदा वहाँ पे बोल रहा है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे सुनाएगा, और कुछ भी आपको दबाना नहीं है। अब मान लीजिए आपको कुछ अनाउंसमेंट करनी है, आपको यहाँ पे कुछ बोलना है, तो आपको कुछ बोलना है तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टॉक की PTT। अगर आपको कुछ छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है मान लीजिए, तो आप इस टॉक की को दबाइए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, दबाइए, तो जैसे आप इसमें कुछ बोलेंगे हेलो हेलो, तो जो वहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ है वहाँ पे प्रॉपरली सुनाई देगा, ठीक है। पर मान लीजिए आप बोले कि मैं तो कब तक पकड़ के रखूँ, मुझे तो बहुत लंबी अनाउंसमेंट करनी है, तो लंबी अनाउंसमेंट करनी है तो मैं टॉकी को दबा देता कैसे पकड़ पाऊंगा। तो क्या किया आपने, आपके जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आपने 0 देखिए आप लिखा हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन है 0 की हैंड फ्री, मतलब अगर आप 0 प्रेस कर देंगे, जैसे मैं 0 प्रेस कर देता हूँ, तो मैं कंटिन्यू कितनी भी देर बोल सकता हूँ, मुझे देखिए मैं डायरेक्ट माइक में जो भी बोलता हूँ वो मुझे प्रॉपरली यहाँ पे सुनाई देगा। देखिए जो माइक है, माइक में जो भी अगर मैं बोलूँगा हेलो हेलो, तो मेरा वहाँ पे पूरा सब दिखाता हूँ, हेलो हेलो, तो पूरा मेरा वहाँ पे बच्चों को सुनाई देगा, ठीक है। तो ये इसका एक ऐसे तरह करके आप इसमें अनाउंसमेंट वगैरह कर सकते हैं। ओके, एक बार मैं इसे एस्केप कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तो मेरा हो गया एक के लिए, अगर आपको पर्टिकुलर एक स्लेव में एक में बोलना है तो उसके लिए आपको ये दिया गया है। ओके, इसके अलावा अब देखिए, इसके अलावा अब मान लीजिए आपको जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं सभी स्पीकर में आपको एक बार में सिंगल बार में अनाउंसमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा है होल, जैसे आप इस होल पे कनेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी स्पीकर लगे हुए हैं, जितने भी आपके क्या नाम है स्लेव लगे हुए हैं, तो उन स्लेव्स में आप यहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, मैं बीच में आपको जितना भूल गया, मैं इसे एस्केप करता हूँ, स्लेव को रखता हूँ यहाँ पे, अब स्पीकर को रखता हूँ, मास्टर म्यूट को रखता हूँ, अब मैं आता हूँ इसके स्लेव पे। देखिए ये आपको स्लेव दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या नाम है, आपको पार्ट आईडी के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें स्पीकर लगा होता है, स्पीकर चेंज का होता है, काफ़ी अच्छी आपकी आवाज़ बोलने में आपको देता है, आपका 30x30 के रूम के लिए स्पीकर काफ़ी अच्छा स्पीकर है। साथ में देखिए यहाँ पे नीचे आपको माइक का पोर्ट मिल रहा है, तो जो बच्चे बोलेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसमें आपको माइक दिया गया है, और आपको ये छोटा सा माइक लग रहा होगा, आप सोच रहे हैं तो ये छोटा सा माइक है कि आपकी अच्छी बात दे पाएगा, पर ये इस माइक की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी कैपेसिटी है, आप जब देखेंगे तभी इस चीज़ को बिलीव कर पाएंगे कि ये आपका एक 30x30 का रूम है, 25x30 का रूम है, तो जो भी बच्चा कोने में से बोल रहा है तो उसकी जो आवाज़ है काफ़ी क्लियरिटी के साथ में आपको सुनाई देगी, ये सबसे मेन इसका फीचर है, मैं कह सकता हूँ इसका छोटा सा माइक है पर काफ़ी पावरफुल माइक है। ओके, अब मैं आता हूँ फिर से एक बार, क्या नाम है, अपनी जो मास्टर यूनिट है उस पर आता हूँ मैं। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर आपको सभी क्लासरूम में एक बार में अनाउंसमेंट करनी है तो आप होल पे क्लिक करेंगे तो सभी क्लासरूम में एक बार में अनाउंसमेंट हो जाएगी। ओके, अब मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कोई भी 3 या 4 मतलब एक बार में आपकी, मान लो आपको सिर्फ 10th क्लास है, 12th क्लास है, प्ले क्लासरूम से है, आपको सिर्फ 8th और 10th क्लास में अनाउंसमेंट करनी है, तो आपने क्या किया मैनुअली, आपको कोई भी मान लो 3-4 क्लास में अनाउंसमेंट करनी है तो आपने मान लो जैसे 04 उसमें लगा हुआ है, 04 05 आपने क्लिक कर दिया, जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो देखिए आप उनमें क्लासरूम में आप अनाउंसमेंट वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट हो गया। इसी के अलावा देखिए
इसी के अलावा अब मान लीजिए आपको जैसे आपकी 10th क्लासरूम है, वो 10th क्लास है, या फिर आपकी 12th क्लास है, 10th के 2 सेक्शन है, 12th के 2 सेक्शन है, आप चाहते हो कि मुझे दो डेली डेली मतलब 4 क्लासरूम दबानी पड़ती है, 0 मान लीजिए आपकी 10th में 2 सेक्शन है, जिसमें एक में 04 एक में 05 लगा हुआ है, एक में 07 एक में 08 लगा हुआ है, तो डेली आपको दबाना पड़ रहा है, ओके। तो आप इससे कैसे बचें? तो इससे बचने के लिए देखिए आपको यहाँ पे दिया है ग्रुप G1 G2 G3 G4 G5। मतलब क्या हुआ कि आप एक बार में ही आप अब क्या करें, आपको पता है मेरी 10th क्लासरूम है, 12th है, तो मुझे बार बार में वो क्या नाम है उसका पकड़ना पड़ रहा है। ऐसा कुछ हो जाए कि मैं एक बार दबाऊँ तो मैं जितने भी बोर्ड की क्लासरूम हूँ सब में अनाउंसमेंट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखिए, उसके लिए आपको ग्रुप दिए गए, तो आपको आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे आपने G1 में क्या किया, आपने बोर्ड क्लासरूम रख ली, आपने G2 में मान लीजिए आपने क्या नाम है ग्राउंड है आपके, या फिर पीओन जो आपके टीचर स्टाफ रूम है, आपके बोर्ड स्टाफ रूम है, तो आपने दोनों, या फिर मान लीजिए आपकी प्रैक्टिकल लैब है, तो आपके जितने भी आपके प्रैक्टिकल लैब जो है उसको आपने G2 में रख लिया, वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करनी है आपको। देखिए ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो ग्रुप बनाने के लिए देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जूम कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन को, अब देखिए जैसे आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रोग्राम, अगर आपको कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ चेंज करना तो आप यहाँ पे प्रोग्राम पे जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम आप देखिए आपकी प्रोग्रामिंग स्क्रीन खुल जाएगी, इसमें जो पहला ऑप्शन आ रहा वो आ रहा है सेट डेट एंड टाइम। आप मान लीजिए कोई डेट एंड टाइम यहाँ पे खराब हो गया तो आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मैक ग्रुप, ठीक है, आपको मैक ग्रुप नीचे वाले ऑप्शन में आके मैक ग्रुप कर सकते हैं। तो आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पे देखिए ग्रुप वन 5 ग्रुप दिखा रहेगा, तो G1 G2 G3 G4 G5 दिख रहा होगा आपको, तो इन 5 इस तरह ही ग्रुप बना सकते हैं। तो G1 पे अगर आप एंटर करोगे, जैसे आपको G1 ग्रुप में कुछ चेंज करना तो आप एंटर करोगे, देखिए जो जो आपको स्पीकर नंबर डाल रहे हैं आप, जो जो आपको क्या नाम है स्पीकर नंबर डालने, अभी देखिए ये बोल रहा है कि 1 to 10, मतलब आपके यहाँ पे 10 रूम की कैपेसिटी वाला ही आपका यहाँ पे स्पीकर है। तो इस तरीके से जैसे आपने 0 05 डाल दिया, 07 डाल दिया, 08 डाल दिया, 09 डाल दिया, ठीक है। इसी तरह 10 एक ग्रुप में आप 10 स्पीकर डाल डाल और भी डाल सकते हो, 01 डाल के, ठीक है। इसी तरह 10 स्पीकर आप डाल सकते हो, यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे ओके कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो आपका ग्रुप वन यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसी तरह ग्रुप 2 ग्रुप 3 इसी तरह आप बना सकते हो, ठीक है। बनाने के बाद में आप जैसे एस्केप आ गए, आपने एस्केप कर दिया यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे जो भी आप जैसे आपका ग्रुप रेडी हो गया, जैसे जीवन दबाएंगे ओके दबाएंगे, सॉरी ओके दबाएंगे आप यहाँ पे जीवन दबा के ओके, जीवन दबा के ओके दबाएंगे तो आपकी उस क्लासरूम में वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो क्या ग्रुपिंग का, अब मैंने आपको समझा दिया ऑल में करना है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था इसके पीछे, एक मिनट रुकिए, जैसे मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि आपको यहाँ पे देखिए क्या नाम है पीछे की तरफ आपको देखिए एक्सटर्नल, देखिए माइक के पोर्ट के जो नीचे वाला ऑडियो कंट्रोल करने मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला, उसके पास में एक है एक्सटर्नल ऑडियो छोटा सा पोर्ट है 6.3.5 ऑडियो जैक, जो अपन मोबाइल में जो ईयरफोन लगाते हैं तो ऑडियो जैक यूज़ करते हो ना, तो वो वाला ऑडियो जैक है। तो वो क्या काम आएगा, आपने क्या क्या ऐसे एक डबल साइड केबल आते हैं, मतलब इसके दोनों साइड 3.5 ऑडियो जैक होता है। तो क्या किया, एक साइड तो आपने मोबाइल में लगा दिया और एक साइड आपने इसके इसके अंदर लगा दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपने क्या किया, जैसे आपने यहाँ पे बंद क्या दिया, ये दिखा ऑडियो इन का, देखिए यहाँ दिखा हुआ है ऑडियो इन, जैसे आपने यहाँ पे ऑडियो इन प्रेस किया तो, और फिर आपने क्या मोबाइल कनेक्ट करके आपने कोई भी मोबाइल में कोई राष्ट्रीय गान प्ले कर दिया, कोई न्यूज़ प्ले कर दी, कोई अनाउंसमेंट प्ले कर दिया, तो जिस टाइम मोबाइल में जो भी सॉन्ग चल रहा होगा वो सभी स्पीकर्स में आपको वहाँ पे सुनाई दे जाएगा, ओके। तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है। अब देखिए ये तो था मेरा बेसिक टू वे कम्युनिकेशन के बारे में, तो कैसे कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने आपको बताया एक और चीज़ कि आपका 101 मॉडल है, ओके, ये 101 मॉडल है, तो इसके अंदर आपकी बेल भी इनबिल्ट है, ओके। आपका इसमें जो UP501 जो मैंने बताया ना आपको, UP501 ऑटोमेटिक बेल सिस्टम होता है जिसमें आपका अपने आप टाइम वगैरह बच जाता है, तो पूरा पूरा इसके अंदर इनबिल्ट है। तो उसके लिए देखिए अगर आपको वो प्रोग्रामिंग सेट करना है तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, बाकी मैंने UP501 सेट करने का पूरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो देख लीजिए एक बार जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, ठीक है। ठीक है पीछे वाला देखिए आपको, देखिए सेट डेट एंड टाइम आप चाहो तो इसमें डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, नीचे आगे मैक ग्रुप से करते हैं, इसके नीचे आगे देखिए बेल शेड्यूल पर जाके आपको पूछेगा कि आपको नया प्रोग्राम बनाना है, तो आप नया वही इसमें वही उसकी तरह भी आप कौन से प्रोग्राम बना सकते हो। इसमें भी आपके साइड में यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड में पहले से साउंड आपको पहले दी गई है, और आप चाहो तो
अलग से भी अपना साउंड डाल सकते हो। पर ये चीज़ आप किस में कर सकते हो, BS 101 में। BS 51 में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। BS 51 है मॉडल है, सिर्फ आपको पूरे कम्युनिकेशन मिलेगा, उसमें आपको बेल नहीं मिलेगी, उसमें आपको बेल इसमें मिलती है। ओके, अब इसके अलावा देखिए क्या बोल रहा था मैं, अगर आपको प्रोग्राम बनाना तो आप एंटर करके आपको देखिए प्रोग्राम कौन सा बनाना है, एंटर करता हूँ, टोटल बेल कितनी लगानी है। ठीक है, गूगल पे से मैं ये कर देता हूँ, क्या नाम है, आप देखिए आपको बेल टाइम क्या डालना है, फाइल नेम क्या डालना है, फाइल जो है मतलब जो साउंड डाले हुए ना मैंने जी इसमें भी क्या है, फाइल जो साउंड डाले हुए हैं, तो फाइल सब साउंड का नाम है, एक नंबर पे सिकल घंटी, दो नंबर पे दो घंटी, मतलब उसके अलग अलग तरह के नाम। ठीक है, तो वो आप फाइल नंबर लगा के आप वो फाइल में जो फीड है वो भी आपको प्रोवाइड कर जाएगी। अदरवाइज जो क्या नाम है मैंने बताया आपको 501 जो 501 में जो आपकी जो वीडियो है उसमें पूरा समझाया गया है वो सेम सेम क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो इसके अलावा मैं स्केप करता हूँ। कि ये मेरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि इसमें कैसे कनेक्टिविटी होगी, आप इसमें कैसे ठीक है कैसे आप इसमें प्रोग्राम सेट कर सकते हो, कैसे आप इसमें क्या नाम है कनेक्टिव वायर कनेक्टिविटी करोगे और स्पीकर्स कैसे लगाओगे, वायर आपको कैसे शील्ड लगा के साथ में कैसे लगाना है, माइक आपको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए बेसिक बेसिक मैंने तो बता दिया है, इसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे जो आपके नंबर आ रहे हैं आप उन पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। साथ में आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसे परचेज करना है, और कुछ टेक्निकल आपको कुछ में पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, साथ में नंबर दिए इन पर आप कॉन्टेक्ट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।